अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत सा दामन और स्लीव्स का डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। फैब्रिक के रिंग बना के उससे मैंने ये डिज़ाइन किया है, बगैर किसी लेस के, बगैर किसी पैसों के, अपने फैब्रिक के साथ मैंने ये तैयार किया कपड़े के साथ। ये देखिए, सबसे पहले रिंग्स बनाएंगे, उसके लिए मैंने ये फैब्रिक की कपड़े की पट्टी ली है, उसे पेस्टिंग के पेपर के ऊपर रख के मैंने आयरन के साथ इस तरह से इसको पेस्ट कर लिया है। लंबी पट्टी ली है क्योंकि मैंने स्लीव्स पे डिज़ाइन बनाना है। आप अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना भी आपको चाहिए होगा आप उतना इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमने पेस्टिंग पेपर को या बुकरम को काट के अलहदा करना है और एक पट्टी तैयार कर लेनी है। इसको पेस्टिंग पेपर चिपकाने के बाद एक बार फिर हम इसे नीट कर लेंगे, आयरन की मदद से इसको हम प्रेस कर लेंगे ताकि ये नीट हो जाए। अब जी हमने इसकी करनी है काट पट्टियाँ, जिस तरह से हम पाइपिंग के लिए तिरछा कपड़ा काटते हैं इसी तरह से हम फैब्रिक पट्टियाँ जब बनाते हैं तो उनके लिए भी तिरछा ही काटते हैं। ये देखिए, ये मैंने 4 इंच चौड़ा जो पट्टी थी कपड़े की वो ली थी, उस पर मैंने बुकरम चिपकाया। अभी जो स्केल है मेरे पास 1 इंच चौड़ा है, तो मैं स्केल रखते हुए इस तरह से, ये देखिए, इसके दोनों साइड पे लाइंस लगाती चली जाऊँगी तो ये जितना मैंने कट करना है 1 इंच चौड़ी पट्टियाँ मेरी ड्रा हो जाएंगी। इस तरह से हम काफ़ी सारी पट्टियाँ ड्रा करके उनको मैंने कट कर लिया। ये देखिए, बहुत आसानी से एक ही साथ में ये कपड़े की जो पट्टियाँ होती है फैब्रिक रिंग बुकरम पे लगा के हम तैयार कर सकते हैं। अब हमने इनको स्टिच करना है। ये देखिए, एक साइड से हमने इसे फोल्ड करना है, दूसरी साइड से सेम फोल्ड करना है और उसके बाद दोनों को आपस में मिला के एक बार फिर से फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इस तरह से ये दोनों सिरे जो हैं इसके पट्टी के वो आपस में गायब हो जाएंगे और हम इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगा के इसको हम फैब्रिक रिंग के लिए पट्टी रेडी कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई लगा के हम इसको रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आज के लिए डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इन है, आप इसे किसी भी गले पे लगा सकते हैं, दामन पे बना सकते हैं, अगर आपको रिंग्स की पट्टियाँ आती है डिज़ाइन आता है, या फिर स्लीव्स पे कहीं भी आप ये बना सकते हैं डिज़ाइन। ये देखिए, सेम उसी तरह दोनों सिरे इसके फोल्ड किए। ये देखिए, फैब्रिक की पट्टी के दोनों सिरे फोल्ड करने के बाद ऊपर से हमने एक बार फिर फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमने सारी जितनी भी पट्टियाँ कट की है हमने सबको सिलाई लगा के ये रेडी कर लेनी है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी लाजमी। ये देखिए, हमारी दो पट्टियाँ रेडी होगी। अब मैं आपको एक और दिखाती हूँ। ये देखिए, दोनों साइडों से फोल्ड करने के बाद, अगर कहीं से वीडियो समझ नहीं आती तो आप रोक के देख सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं या फिर दोबारा से भी आप देख सकते हैं। अब ये सारी पट्टियाँ रेडी करने के बाद शावर से हमने इनको गीला करना है। गीला हमने इनको अच्छा खासा करना है क्योंकि इनको हमने मोल्ड करना है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोड़ना है। ये देखें, अब मैंने इस तरह से ड्रॉप की शक्ल के पत्तियाँ सी बना लेनी है। आप किसी भी शक्ल की राउंड शेप में बना सकते हैं, किसी भी शक्ल में बना सकते हैं, लेकिन जो डिज़ाइन मैंने बनाया है उसके लिए मैंने इस तरह से इनकी ड्रॉप की शक्ल की पत्तियाँ मैंने बनाई हैं। ये देखिए, अगर आप चाहें तो नीचे कपड़े पे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, उसके ऊपर भी रिंग बना सकते हैं, लेकिन जब हम ड्रॉ करते हैं तो पट्टियों पर इनका कलर आ जाता है। तो मैंने वैसे ही अंदाजे से एक बनाई है और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर रख के मैं मेयर करती चली जाऊँगी और इनका साइज़ जो है बराबर बनाती जाऊंगी। ये देखिए, अब दूसरी भी मैंने बना ली है। दूसरी भी बनाने के बाद ये देखिए, जब इनका पानी खुश्क होता है तो ये बिल्कुल खुश्क होकर कड़क हो जाती है। एक दूसरे के ऊपर रखा, ये देखिए, सेम साइज़ की होंगी। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी गीली है, तो इन्हें हमने एक दूसरे के ऊपर रख के सेट कर लेना है। ये देखिए, ये दो है जब खोला तो। अब इसी तरह से हम सारी पट्टियों को सेट कर लेंगे। ये देखिए, जैसे जैसे हम आयरन की मदद से इन पट्टियों को मोड़ते चले जाते हैं तो ये उसी पोजीशन में, उसी ही शेप में ये खुश्क हो के आ जाती हैं। और जब इन्हें धोते हैं तो ये थोड़ी सी इनकी शेप ख़राब होती है, तो गीले गीले पे एक बार शावर करके दोबारा प्रेस करते हैं तो दोबारा से ये अपनी असली हालत में आ जाते हैं। ये देखें, अब एक बार फिर हमने एक पत्ती उठाई, उसके ऊपर रख के हमने इनको प्रेस करना है। इसी तरह से सारी पत्तियाँ हमने रेडी कर लेनी है, जितनी भी हमने बनाई हुई हैं। एक स्लीव पे मैंने 9 पत्तियाँ इस्तेमाल की है। ये देखिए, एक मैं और आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह से रेडी करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि पैटर्न बनाया किस तरह से। ये देखिए, दो रिंग्स हमने रखे, दो रिंग्स रखने के बाद तीसरा रिंग जो है उसको इनके अंदर रखते हैं। ये देखिए, एक बार फिर दिखाती, दोनों को मिला के रखा, तीसरा रिंग इन दोनों के दरमियान में इस तरह से रखती है। ये भी आपको नज़र नहीं आ रहा, एक और मैं बनाती हूँ तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये इस तरह से हमारा एक छोटा सा फ्लावर बन जाएगा। देखिए, एक रिंग रखा, दूसरी रखी पेटल और तीसरी को हमने इन दोनों के अंदर ही
रख देना ये देखिए, इन दोनों के अंदर रखने के बाद हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी और इस तरह से पेटल्स रेडी कर देने इनको सिलाई लगा के। ये देखिए अब हमने एक पेपर लिया, पेपर पे हमने तीन तीन लगानी है क्योंकि एक स्लीव पे हमने लगानी है तीन। अब ये देखो इस तरह से अंदाज़ा लगा के एक सेंटर में और दो साइड पर सिलाई की मदद से हमने इनको पेपर पर सिलाई कर देना है ताकि जब हम इन्हें स्लीव पे अटैच करें तो इजीली ये अटैच हो जाए और हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी आए कपड़े पे। इसलिए हम पेपर को यूज़ करते हैं ऐसे काम करने के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए। अब हमने स्लीव को रखा है सीधा, उसके ऊपर उल्टा करके ये जो पेपर है रिंग्स वाला वो हमने रखा है, जो सिलाई हमने रिंग को अटैच करने के लिए लगाई थी उसी के ऊपर ही हमने ये वाली सिलाई लगानी है। ये देखें अब रिंग्स हमारे उल्टे हैं, नीचे से स्लीव हमारी सीधी है, स्लीव सीधा ऊपर की तरफ है और उसका रिंग्स का नीचे की तरफ है। अब ये देखिए सिलाई लगाने के बाद एक और मैंने पट्टी ली है फोल्ड करके, जैसे हम फैशन पट्टी लगाते हैं नीचे से पलटा लगाते हैं, पलटा लिए कि मैंने इसके ऊपर ही जो हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर एक बार फिर से सिलाई लगाते हुए ये देखें पलटा लगा दूंगी। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से मैंने ये रेडी किया है। फर्स्ट टाइम अगर कोई बिगनर होते हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है, लेकिन अगर बार बार देखते हैं या दो तीन बार देखते हैं तो आपको वो डिज़ाइन लाजमी समझ आ जाता है किस तरह से इन्होंने बनाया है और ये किस तरह से इसकी कटिंग की है, किस तरह से ये रेडी हुआ है, कपड़ा उल्टा रखा है या सीधा रखा है। एक ही बार देखने से कभी भी समझ नहीं आएगा आपको। ये देखें अब फैब्रिक निकाल लिए अंदर से और एक्स्ट्रा जितने भी रिंग्स हैं और कपड़ा इसको हम कट करके बाहर करेंगे। देखिए कट करने के बाद हमने इसको पलटाने कुछ इस तरह से, अब दोनों साइडों से हमने पेपर निकाल लेना है। अब पेपर ना अंदर रहेगा ना ही ऊपर रहेगा, अब इसको पलटाएंगे ये हमारी सीधी साइड आ गई। ये देखिए स्लीव्स की दो सिलाई में, एक सिलाई में हमने रिंग्स अटैच किए हैं, दूसरी सिलाई में हमने पीछे से पलटा जो हमने लगाना था वो हमने अटैच किया। अब ये हमारी स्लीव्स है, अब हमने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हमने अगर हम चाहें तो इसकी मशीन से सिलाई लगा सकते हैं पीछे जो पलटा है, अगर हम चाहें तो उसकी तुरपाई भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से हमने इसको रेडी करना है। अब बैक साइड है, बैक साइड पे हमने ये फोल्ड करना है, जितना भी आप पट्टी छोड़ना चाहे जितना आपने रखी है उतना प्रेस करके आप तुरपाई भी कर सकते हैं और मशीन की सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने इस पर तुरपाई की है। ये देखें तुरपाई करने के बाद मैंने साइड की सिलाई लगा के बंद की और ये इसका फाइनल रिज़ल्ट है। बहुत ही प्यारे रिंग्स बन के, स्लीव्स बन के रेडी हुए। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। अपना अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक लाजमी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।